किया सेल्टोस कॉम्पैक्ट एसयूवी आखिरकार भारत में लॉन्च कर दी गई है, जिसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 9,69,000 रुपए है। ये कीमत टॉप मॉडल के लिए 15,99,000 रुपए तक जाती है। किया मोटर्स ने सेल्टोस के लिए 32,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हासिल कर ली है, जिसकी डिलीवरी आज से शुरू हो गई है। यहाँ तक कि किया ने अपने आंध्र प्रदेश प्लांट में सेल्टोस की 5,000 यूनिट तैयार कर ली है। कार 3 इंजन विकल्प के साथ कुल 16 वेरिएंट्स में उपलब्ध कराई गई है। कार में 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं। ये दोनों इंजन 113 bhp पावर जनरेट करते हैं। कार के साथ 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया गया है, जो 138 bhp क्षमता वाला है। किया सेल्टोस के सभी वेरिएंट्स को मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। चूंकि ये कंपनी की भारत में पहली कार है, ऐसे में किया सेल्टोस के साथ सेगमेंट में पहली बार दिए गए बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इनमें कनेक्टिविटी, हेड्स अप डिस्प्ले, ड्राइव मोड्स, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर जैसे कई फीचर्स शामिल हैं। 2019 मोटर व्हीकल एक्ट हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले फाइन में बदलाव किया है और चालान की राशि में भारी इजाफा किया गया है। नया मोटर व्हीकल एक्ट और बढ़े हुए चालान को 1 सितंबर 2019 से भारत में लागू किया जाएगा। कुछ परिस्थितियों में जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाया गया है। इस बिल में ये सिफारिश भी की गई है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने में सालाना 10% की बढ़ोतरी की जाए। बढ़े हुए जुर्माने के अलावा नए मोटर व्हीकल बिल में बाकी समस्याओं पर भी बात की गई है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के नए रूल्स, कैब एग्रीगेटर्स, इंश्योरेंस और वाहनों का रिकॉल भी शामिल है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की बाकी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें carandbike.com पर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2018 में हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी दी है, जिसमें सामने आया है कि 2017 में सड़क दुर्घटना में हुई 1,584 मौतों के मुकाबले 2018 में 1,690 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में हुए कुल 6,515 सड़क हादसों में 6,086 लोग जख्मी हुए हैं, वहीं 1,690 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जहां सड़क हादसों की कुल संख्या में 2.36% की कमी देखी गई है, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा 6.69% बढ़ गया है। इस जानकारी में ये भी सामने आया है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 46% लोग पैदल यात्री थे।